हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति मैथ क्लास। तो ये आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर है क्लास 12 का, ठीक है। तो ये आपका पार्ट वन वीडियो होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। समझ में आएगा बेटा? देखिए, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन मतलब ऐसे एफ ऑफ एक्स करके लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऐप करके लिखें, जी ऑफ एक्स, जेड ऑफ एक्स ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन कहलाता है। जैसे कि हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ते थे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लेते थे, फिर मैपिंग करते थे इसका, है ना। ये एक सेट होता था, ये एक सेट होता था, तो इन दोनों के बीच ना तो मैपिंग होगा, है ना। ये एक फंक्शन होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स करके एक एक्स प्लस वन दिया रहेगा अगर, तो ऐसे 1, 2, 3 है ना, इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हम जी मतलब इसका हम निकाल मतलब पाते थे इसका वैल्यू। जैसे कि 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 हुआ, है ना, यहाँ पे फिर 2 पुट करेंगे तो एक्स प्लस वन की जगह 3 हुआ, ऐसे लिखते थे। तो ये आपका फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। मैपिंग होने के बाद सुनाना, ये आपका 1, 1, 1, 2 ऐसा कहलाता था। ये आपका रिलेशन फंक्शन का चैप्टर, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप जान गए कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है। समझ में आ गया? देखिए, अब चेक करेंगे, मतलब जानेंगे कैसे कि कंटिन्यूटी है या नहीं। पहले तो आपका है एट एक्स इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स अगर गिवन दिया होगा तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी, इसका वैल्यू जो निकलेगा, ठीक है, और इसका वैल्यू जो निकलेगा अगर इन दोनों इक्वल होगा तो ये आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला कंडीशन हो गया, कंटिन्यूस एक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। इक्वल होगा तो कंटिन्यूस होगा। इसको कैसे चेक करते हैं बेटा, एक्सरसाइज करने से हम जानेंगे। अब मतलब पैनिक मत हो कि ये क्या लिख दिए मैम, हमको पता नहीं चल रहा है, अब बस इतना जानकर रखिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके बेटा, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये माइनस मतलब माइनस नहीं है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है करके इसका आइडेंटिफिकेशन है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ओके। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? एल एच एल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस एक्स की जगह ए माइनस एच लेट पुट कर दिए, ओके, ए माइनस एच अगर पुट करेंगे इसकी जगह तो क्या होगा? देखिए, ए इक्वल एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, तो एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे एक्स की जगह, क्योंकि ये एक्स टेंड्स टू ए है ना। अगर हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे, ये हम पहले एक्स की जगह ए माइनस एस, मतलब देखिए ये एक्स की जगह ए माइनस एस ना पुट है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए एक्स इक्वल टू ए माइनस एस। अगर हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे, है ना, ए पुट करेंगे तो यहाँ पर ए लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए माइनस एच, ये ए ए कैंसिल हो गया, तो माइनस एच इज टेंस टू जीरो और एस टेंस टू जीरो। समझ में आ गया? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एल एच एल है ये आपका। वैसे ही देखिए, इसको लिमिट लेफ्ट हैंड साइड हम लिमिट कैसे क्यों बोलते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं, ये आपका संख्या रेखा है, हम इसको यहाँ पर ए करके, अगर ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका एक ए पॉइंट है, लेकिन इधर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका ए माइनस एच करके है, मतलब ए से छोटा होगा, मतलब इस तरफ जाएगा, है ना, इस तरफ जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव कहलाएगा, दैट इज ए माइनस एच। संख्या रेखा में क्या होता है आपका, वन से यहाँ पर पॉजिटिव सब रहता है और यहाँ नेगेटिव रहता है, तो ये तो ए अगर हम ये लिए हैं यहाँ, तो ये ए से माइनस होके है, तो लेफ्ट हैंड करके है, तो ये आपका नेगेटिव, इसलिए यहाँ आपका क्या नेगेटिव से टेंस टू ए नेगेटिव होके आ रहा है ना ये, इसलिए हम यहाँ को इसको यहाँ पे एक्स टेंस टू ए नेगेटिव करके लिखते हैं। समझ में आया? ऐसे करके आप समझिएगा, ऐसे ही है। और वैसे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, बस सेम टू सेम, इधर एक्स की जगह हम ए प्लस एच जब पुट करेंगे तो एक्स टेंस टू ए है, तो एक्स टेंस टू ए जब पुट करेंगे कैंसिल होकर ये भी एक्स टेंस टू जीरो होके ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। इसको लिमिट आर एच लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे कैसे आया, यहाँ पर हम बताए आपको, तो ये आपका ए प्लस एच अगर एक कोई पॉइंट लिए ए करके, तो आपका प्लस होके है, तो ये आपका इस साइड होगा राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर इसके लिए प्लस है। ये प्लस माइनस कुछ नहीं है, खाली आइडेंटिफिकेशन है कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। समझ में आ गया? इतना डीप मत जाइए बेटा। और देखिए, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है और नॉट कॉन्टिन्यूस है कैसे पता करेंगे? लेट जी एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, और यहाँ लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है ना,
पॉइंट लेके करते हैं ना, और बताने नहीं बताऊंगी आपको, पता है मुझे। मैं इधर से ग्राफ शुरू की और ऐसे करते गई करते गई करते गई, मतलब मेरा पेन और नहीं रुक रहा है, मतलब ये चलता ही जा रहा है, आप ग्राफ ड्रॉ करते ही जा रहे हैं। ये आपका कहलाएगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन। डीपली मत सोचिए, बार बार बोल रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते आपको सब पता चल जाएगा। अगर अगर ये आपका पूरा से चलता ही रहेगा तो आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। इधर हम यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर अटक गए, फिर यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर अटक गए, फिर यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर अटक गए। देखिए दो जगह खंडित हुआ है, एक्स का वैल्यू, अगर मान के चलिए एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट है, ये एक्स इक्वल टू बी पॉइंट है। अगर ऐसे मैं अपना कलर अपना पेन को मैं ऐसे चलाती रहूं और कहाँ अटक जाऊं, बीच में रुक जाए, खंडित हो जाए, मतलब ठीक है, अगर खंडित हो जाएगा तो ये आपका डिसकंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस कहलाएगा। आपको लगता होगा क्या डायग्राम बकवास है, हाँ ये बकवास है बेटा, हम क्वेश्चन के क्वेश्चन करते हैं इसको समझेंगे। समझ में आ गया, हाउ टू चेक कंटिन्यूस, तो हमको पहले बताए थे कि एक्स इक्वल टू ए लेंगे, अगर ये दोनों सेम हो जाएगा दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब ये एल एच एल है, ये आर एच एल है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस। ये आपका दो नंबर पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट कौन था, ये था, है ना, और दूसरा नंबर ये है। अगर आर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा तब जाके आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस कहलाएगा, मतलब इसका भी अगर वन हो, इसका भी वन हो और इसका भी वन हो तब जाके ये कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये एफ ऑफ ए कहाँ से आया, जब हम एफ ऑफ एक्स की जगह ए पुट कर लेंगे तो ये एफ ऑफ ए आता है, दिस देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन। ये कैसे हो रहा है बेटा, आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही बताएंगे। डिसकंटिन्यूस, इसमें डिसकंटिन्यूस क्या होता है, इसमें डिसकंटिन्यूस क्या हुआ, अगर ये दोनों सेम नहीं हुआ तब जाके डिसकंटिन्यूस हुआ, अगर ये सेम होगा तो कंटिन्यूस होगा। तो इस केस में जो है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ए अगर सेम होगा तो कंटिन्यूस होगा, और इसमें कोई भी एक अगर नॉट इक्वल टू हो गया, जैसे कि वन वन हुआ और ये टू हुआ, या फिर ये वन वन हुआ और ये टू हुआ, या ये वन वन और ये टू हो गया, तो तीनों में से एक डिफरेंस आ गया ना, एक का टू हो गया, दोनों का वन वन हुआ है, तो कोई भी अगर नॉट इक्वल टू हो गया तो आपका डिसकंटिन्यूस होगा, दैट इज वन ऑफ दम इज नॉट इक्वल टू सेम देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। समझ में आ गया। देखिए बेटा कंटिन्यूस चेक करने के लिए ना आपको वैरायटी ऑफ मतलब क्या बोलते हैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा, जैसे कि आपका पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अच्छा ये इसको बाद में बताएंगे हम आपको, इसको रहने देते हैं। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या है देखते हैं पहले, कि हियर x इक्वल टू सी एन एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स बी टू फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, दैट इज यहाँ पर हम जब x टेंस टू सी पुट करेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फंक्शन इज डिफाइन ऑन ए, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइन ऑन ए, तो इसका एक ही वैल्यू निकलेगा। समझ में आ गया, इन दोनों को जब ऐड या मतलब इसका एलजेब्रिक जब करोगे तो इसका एक ही वैल्यू वन एंड ओनली वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तब जाके ये कंटिन्यूस कहलाएगा। इसमें देखिए सिंपल फंक्शन क्या है पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि सिंपल फंक्शन में हम ऐसे इसको यूज करेंगे, ये आपका कंटिन्यूटी का जो आप एलजेब्रिक पार्ट रहता है ना वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आपको अच्छे समझ में आएगा। सिंपल फंक्शन देखिए, अगर f ऑफ x का वैल्यू 5x माइनस 3 दिया गया है आपको, ठीक है, चेक इट कंटिन्यूस एट 0 माइनस 3 5, इसमें 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 चेक करना है, जैसे कि x इक्वल टू a करके ले रहे हैं ना, इससे यहाँ पर x इक्वल टू 0 माइनस 3 5 है, तो पहले हम क्या करेंगे, 0 है ना, 0 है मतलब डायरेक्टली हमको पुट करना है, जैसे f ऑफ a है ना, यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू हमको एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी जो भी आप चलो ए लेके चलते हैं, ये निकालना पड़ेगा, फिर जाके हमको दिखना इसको दिखाना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होगा तो ये कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बताएंगे आपको। ये पहला सिंपल फंक्शन है आपका, सिंपल फंक्शन का एग्जाम्पल। तो पहले हम एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं, दैट इज
एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा आपका, 5 × 0 − 3 − 3 − 3 पुट करो तो कितना होगा, 5 × −3 − 3 − 15 − 3 − 15 − 3 − 18 फिर 5 पुट करो इधर, 5 × 5 = 25 − 3 = 22 तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू −3 − 3 का वैल्यू −18 एंड 5 का वैल्यू 22 निकला, समझ में आ गया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, लिमिट x एट x इक्वल टू a है ना, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a दिखाना है, ये दिखाना है ना इक्वल टू करके, तो हम एफ ऑफ a निकाल लिए हैं, ये सब एफ ऑफ a है आपका, अब इसको निकालना पड़ेगा हमको, है कि नहीं, बस इसको फिर जाके इसका इक्वल दिखाना है, तब जाके आपका कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, तो आपको ये निकालना है अभी। तो x a दिया है लेकिन यहाँ पर पहले जीरो है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x, कहाँ पर है आपका, यह है 5x − 3, अब x की जगह जीरो पुट करो तो कितना होगा, 5 × 0 = 0 − 3 दैट इज डायरेक्टली लिखो −3। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x का वैल्यू कितना आया आपका, −3 आया, तो देखिए एफ ऑफ जीरो का कितना आया था, −3 आया था ना, दैट इज इक्वल टू −3, देयरफॉर एफ ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, समझ में आ गया। अब देखिए एफ ऑफ जीरो का निकल गया, अब −3 में आते हैं, इसमें यहाँ पर हम −3 पुट करेंगे एक जगह है ना, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू −3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू −3, फंक्शन जो है लिख दो 5x − 3, x के जगह −3 पुट करो तो हो गया आपका कितना, 5 × −3 − 3 = −18, −3 में कितना निकला था आपको, −18, यहाँ पे आया आपका −18, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू −3 इज इक्वल टू −3, दोनों सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, है ना, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू −3, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू −5, एफ ऑफ की जगह पुट कर दो 5x − 3, एक्स की जगह 5 पुट कर दो, ये आपका 22 आया, देखिए एफ ऑफ 5 कितना आया था, 22 आया था, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एफ ऑफ एक्स भी आपका आया 22, तो ये भी सेम हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 5। अब समझ में आ गया कि वो क्या था, है ना, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, लिमिट वेयर x टेंड्स टू a, है ना, x इक्वल टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ जो a हो रहा था, ये सेम ना हुआ, ये क्वेश्चन सिंपल फंक्शन में सेम हुआ तो कंटिन्यूस कहलाया। वैसे आप इसको चेक करिएगा, 2x² − 1 दैट इज 3 पुट करके कैसे होगा आपका, देखिए पहले तो हम इसको एफ ऑफ ए निकाल देंगे, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 कर दो, 2 × 3² = 9 − 1 दैट इज 17, ठीक है। अब लिमिट चेक करो, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 कितना है आपका, 2x² − 1 दैट इज 3 पुट करो, ये भी आपका कितना आएगा, 17 आएगा, दैट इज एफ ऑफ 3, तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, सिंपल फंक्शन में कंटिन्यूस ही होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² − 25 / x + 5, और एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x − 5 मोर, और एक क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x − 5, इसमें आपका कोई पॉइंट दिया नहीं गया है, मतलब ये हर रियल वैल्यू में ये आपका कंटिन्यूस ही होगा बोल के कहा है, ठीक है। इसको देखिए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स जो गिवन है एक्स बिलोंग्स टू आर इज कंटिन्यूस, लेट x इक्वल टू c लेंगे, ठीक है, c लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इसकी जगह हम c लेंगे, मान के चलिए कोई भी रियल वैल्यू मान के चलिए इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ c, मतलब इसके x के साथ c पुट करेंगे तो ये c − 5 होगा, ठीक है। इसमें आप लिमिट भी जैसे जब पुट करोगे x टेंड्स टू c करके तो ये भी आपका सेम होगा। अब देखे थे ना यहाँ पे एफ ऑफ a का वैल्यू जितना निकालते थे आपका लिमिट करके जो निकालते थे वो सेम निकलता था, तो ऐसे सब में ना आपका मैक्सिमम किसमें कॉन्टिन्यूस ही होता है, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, x² − 25 / x + 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट निकालने के लिए आपके पास पहला तो आएगा, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, x का वैल्यू जो भी दिया गया है कि इस पॉइंट में कॉन्टिन्यूस है कि नहीं चेक करो करके,
तो कुछ ना कुछ हमको उसके नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा जीरो ना होने के लिए। फिर इफ देयर इज ए स्क्वायर रूट, तो हमको स्क्वायर रूट ओमिट करके उसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और एक है एल हॉस्पिटल रूल, उसको डाल के हमको चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गया ये सब क्या है? एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता चलेगा। तो जिससे इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, है ना। तो आपका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो गया x-5x+5 / x + 5, ये कट गया, बचा x-5। फॉर एनी एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि आपका रियल नंबर है, कोई भी ले सकते हैं आप, तो ये आपका c-5 हो जाएगा। हैंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, बट -5 को छोड़ के। समझ में आ गया, -5 होता है ये 0 हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअल में बोला है कि किस पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब कॉन्टिन्यूस मतलब ये इसी पॉइंट में ही नहीं है, लेकिन सब रियल वैल्यू फंक्शन में ये कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन, वो तो सिंपल फंक्शन चला गया, अब LHL और RHL का कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है f of x, x when x is less than equal to 1 and 5 x is greater than is equal to 1, sorry greater equal to 1, sorry x is greater than 1, check it continuous at x equal to 0 1 2। तीन दिया है हमको चेक करना है। चेक करने से पहले बेटा देखिए हम कैसे चीज निकालते थे, लिमिट चेक करने के लिए दो आपका डेफिनेशन था, एक ये था और एक ये था, है कि नहीं। जैसे कि x इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना हो तो इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू इक्वल हो गया तो आपका कंटिन्यूस कहलाएगा, लेकिन इस केस में हम LHL एंड RHL पुट करेंगे। देखिए ये क्योंकि कैसे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, और जो ग्राफ था ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ग्राफ है ना। तो पहला क्या बोला गया है कि व्हेन अगर x का वैल्यू इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 है, अगर x का वैल्यू अगर 1 हो, x का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 हो, तो यहाँ पर f of x का वैल्यू x है, f of x का वैल्यू x ना है इधर। अगर x का वैल्यू अगर 1 हो तो f of 1 also 1 होगा, है कि नहीं। तो ये f of 1 मतलब y है, तो ये y यहाँ पर है, यहाँ 1 होगा। समझ में आ गया, ये पॉइंट है ना। x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो f of इस 1 जो है यहाँ पर अगर पुट करोगे x की जगह तो यहाँ 1 होगा। फिर देखिए ये लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे चला जा रहा है, नेगेटिव की ओर चला जा रहा है, तो ये पॉइंट जो इतना होगा है ना, ये ना होगा लाइन, नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव पार्ट में चला जाएगा, है ना, ये आपका नेगेटिव है। फिर x का वैल्यू देखिए एग्जैक्टली ये लिखा कैसा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5 होगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन 1 होगा, सिंपली यही है। समझ में आ गया, अगर एक्स का वैल्यू हम और 1 लेंगे, ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 लेंगे, एक्स का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1 ही ना होगा। देखिए इतना तो हो गया आपका, एक्स का वैल्यू जब बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो ये 5 हो जा रहा है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू योर 5 होगा, तो एफ ऑफ वाई यहाँ पर 5 है, एक्स का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो ये आपका 1 है ना। तो एक्स जब बड़ा हो जा रहा है तब जाके आपका टूट रहा है ना, टूट गया ये, इसका कनेक्शन से टूट गया, तो देखना जरूर ये 1 में आपका डिसकंटिन्यूस ही होगा। प्रैक्टिकली यही है, मैथमेटिकली यहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिकली यही है, एक्स जब 1 से बड़ा हो जा रहा है ना, तब जाके आपका जो ये है टूट रहा है, खंडित हो गया यहाँ से ना, ये अलग ही अलग हो गया है, तो देखना 1 की जगह ही डिसकंटिन्यूस होगा। तो पहले हम चेक करेंगे 0 के लिए, तो देखिए एट x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 0 होगा। समझ में आ गया, दैट इज लिमिट, क्योंकि देखिए यहाँ पर x इज 1 होगा, अदरवाइज 1 से छोटा होगा, 0 आएगा ना उसके में, उसमें 0 आएगा कि नहीं, आइदर इक्वल टू 1 होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा, तो 0 होगा, तो ये आपका यहाँ पर आएगा,
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दैट इज एफ ऑफ जीरो यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो होगा, दैट इज एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ ऑफ जीरो मिल गया आपको जीरो। अब ये चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्योंकि एक्स का वैल्यू जीरो है इधर, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स है इधर, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है, जीरो पुट कर दो ये भी जीरो होगा, तो ये जीरो हुआ ये जीरो हुआ, तो एफ ऑफ जीरो एंड लिमिट एक्स टेंड टू जीरो सेम आया ना, तो ये आपका क्या होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आपका ये जो है सेटिस्फाई कर गया ना, सेम हो गया, ये भी जीरो हुआ ये भी जीरो हुआ, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखिए वन के लिए चेक करेंगे बेटा, वन जो है ये जो वन है ठीक है, तो इक्वल टू वन भी होना चाहिए, तो लिमिट वन चेक करने के लिए आपका दो कंडीशन आ रहा है, कैसे अब एल एच एल आर एच एल कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू वन है ना, एक्स इक्वल टू वन और वन से अगर ये छोटा भी हो जा रहा है तो आपका दो कंडीशन आ रहा है, मतलब इसके लिए भी आ रहा है इसके लिए भी आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एल एच एल एंड आर एच एल पुट करेंगे। व्हेन एक्स इज, पहले एल एच एल के लिए करते हैं टेंस टू वन, तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम क्या वन पुट करेंगे, ये खाली आपका बोले थे कि ये आपका आइडेंटिफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है करके, तो एक्स का वैल्यू वन हुआ। जब हम आर एच एल के लिए करेंगे एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर फाइव है, फाइव है तो इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर फाइव होगा, समझ में आ गया। लिमिट में अगर एक्स का वैल्यू कुछ दिया नहीं हो तो जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है वही होता है, तो ये एल एच एल आपका वन आया, आर एच एल आपका फाइव आया। ठीक है, तो देखिए ये पहले तो ये दोनों सेम ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो एल एच एल आर एच एल कंडीशन था एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए था, है ना, पहले तो ये दोनों ही सेम नहीं है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। एट एक्स इक्वल टू टू के लिए चेक करो, अभी टू मतलब क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स, देन एक्स से ये क्या होगा वन बड़ा होगा ना, वन से अगर बड़ा होगा तो ये टू ही होगा, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दो कंडीशन को लेकर चल रहा था ना, इसलिए लेफ्ट हैंड भी था यहाँ पर राइट हैंड भी था, है ना, राइट हैंड में आपका ये एक्स का वैल्यू बड़ा होता जा रहा था, यहाँ पर छोटा हो जा रहा था, इसलिए एल एच एल लिए और एल एच एल लिए और आर एच एल लिए, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन है, तो टू से टू वन से बड़ा आना चाहिए, मतलब एक्स का वैल्यू टू थ्री फोर ऐसा जाएगा ना, तो यहाँ पर पाँच है तो इधर पाँच पुट कर दो, एक्स टेंस टू टू दैट इज फाइव, एक्स का वैल्यू कोई मान नहीं है इसलिए फाइव लिखेंगे, एंड ये आपका क्या होगा जब यहाँ पर आप पुट करोगे ऐसे एफ ऑफ एक्स की जगह जब टू पुट करोगे तो आप टू इक्वल टू फाइव होना चाहिए, तो ये फाइव हुआ है ना, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू फाइव एफ एक्स इज कंटिन्यूस, यहाँ पर फाइव हुआ और ये लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ ऑफ एक्स में भी फाइव आया, तो देयरफॉर दिस इज योर एट एक्स इक्वल टू फाइव द फंक्शन इज कंटिन्यूस। समझ में आ गया ना, हम एग्जैक्टली क्या पढ़े, एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और एफ ऑफ सी अगर ये दोनों सेम हो जाएगा वैल्यू तो कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, है कि नहीं। और दो नंबर जो पढ़े एल एच एल एंड आर एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए जो भी हो, तीनों सेम हो जाएगा तब जाके कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, अगर एक भी अगर सेम ना हो जैसे टू 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 सब में आए, अगर टू टू आके एक में वन आया तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा, समझ में आएगा ना बेटा। तो ये आपका हो गया कैसे डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज से शुरू करेंगे इसका, समझ में आ गया बेटा। अगर कहाँ भी दिक्कत हो ना
कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं फिर से दूसरा वीडियो जब बनाऊंगी उसमें समझाने की आपको कोशिश करूंगी, ठीक है ना। थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ये आपका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए है, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर बोले थे कि क्वेश्चन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये सब यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अगर नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो नीचे जीरो हो जाएगा तो उसको थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड करके जीरो ना बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तब जाके फिर उसका हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस है कि नहीं है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ है, तो हम क्वेश्चन में ही एक्सरसाइज में ही आपको क्लियर करा देंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।